बहुत आप लोगों पे बहुत प्रेशर होता है, लेकिन डिवाइड द टाइम इक्वली हिम्मत है आप। मैं समझ सकती हूँ रिजवान जी, लेकिन जब जब कोई मुद्दा किसी मुद्दे पर सवाल उठाया गया है तो दूसरा व्यक्ति जवाब भी देगा। जी बोलिए आप, बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। गिव मी 30 सेकंड। दिए दिए। आतंकवाद का मतलब होता है, अगर आतंकवाद का मजहब होता है, अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो जो कश्मीर में आतंकवादी मरते हैं उनको दफनाना बंद करो, सीधे झेलम में फेंको, मछलियों का भी भला होगा। सबसे बड़ी गलती जो दुनिया ने, देश ने, कांग्रेस ने और सपा ने की कि जब 25-30 साल पहले हिंदुस्तान में इस्लामी आतंकवाद ने अपना सर उठाया, शुक्र है कि पिछले 4-5 साल से कुछ अमन है। इन लोगों ने इंटेलेक्चुअली करेक्ट होकर कह दिया आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अगर इन लोगों ने कहा होता आतंकवाद का मजहब होता है, अगर इन्होंने मुस्लिम उलेमाओं को, सिविल सोसाइटी को, पढ़े लिखे मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लिया होता और उनसे कहा होता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आज इस देश में अगर हिंदू आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद ना होता। हिंदू आतंकवाद अगर इस देश में है तो मुस्लिम आतंकवाद के रिटेलिएशन है। जो बात रिजवान कह रहे हैं